राशि वालों, इतिहास बदल रहा है। फर्क होता है इंसान और भगवान में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तुला राशि वालों, खुशियां मनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। तुला राशि वालों, आपने सही सुना है कि अगर कोई भी इंसान अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ता है तो वह भिखारी से राजा बन जाता है, इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ग्रह स्थिति कह रही है कि पिछला काफी समय आपके लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा था। जीवन में सफल होने के लिए बस एक ही मौका काफी होता है, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार मौके देने वाला है। यकीन मानिए, आप कोई भी परेशानी से गुजर क्यों ना रहे हो, उसका अंत होने जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है और उसका अहम प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है। और वैसे भी मानव जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। सकारात्मक सोच के साथ चलते रहेंगे तो किस्मत कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो आइए जानते हैं आने वाले समय के बारे में। आपके राशि स्वामी एवं धन संपत्ति ऐश्वर्य लाभ के प्रदाता शुक्र ग्रह 31 अगस्त से आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कामना की पूर्ति करने वाले मंगल ग्रह भी पूरे महीने प्रणय भाव में रहेंगे। बुद्धि के दाता बुध ग्रह भी 3 सितंबर से द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उच्च पद के दाता गुरु ग्रह पूरे महीने शुभ भवन में रहेंगे। नौकरी के कारक सूर्य ग्रह 17 सितंबर से द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, यह ग्रह स्थिति के आधार पर हम जरूर कह सकते हैं 1 सितंबर से आपका इतिहास ही बदल जाएगा। तुला राशिफल 2020 के अनुसार सितंबर के महीने में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। बेहतर भाषा शैली और संवाद की वजह से मंदी का माहौल होने के बावजूद आप नौकरी, व्यवसाय एवं करियर में एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कई सारी समस्याओं का अंत होगा। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के परिणाम अनुकूल रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में आपको आशा के अनुरूप लाभ प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे। पिछले काफी समय से चल रही तन से जुड़ी समस्या का अंत होगा। रोजी रोजगार की चिंता दूर होगी। खासकर जो छोटे व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें अकल्पनीय धन प्राप्त होगा। समय आपके लिए भाग्योदय का है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र ग्रह स्वयं आपके भाग्य भवन में प्रवेश कर गए हैं, जिसके चलते आपका आर्थिक जीवन सामान्य हो जाएगा। आमदनी बढ़ेगी और अलग अलग साधनों से आपको आय प्राप्त होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अपनों से मतभेद की स्थिति दूर होगी। 11 सितंबर के बाद आजीविका को लेकर एक बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है, जो आपके करियर को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विशेषकर उन जातकों को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है जो पिछले काफी समय से मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत का फल मिलता नजर आएगा। सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा। यहाँ तक दूर प्रदेश एवं विदेश से जुड़े हुए लोगों को अचानक से धन प्राप्त होगा। तुला राशि वालों, सुकेश की स्थिति स्वराशिगत गुरु के साथ होने से नौकरी एवं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए महत्वपूर्ण रह सकती है। इस समय में आपको अपने कार्यों की सराहना मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप में से कई लोगों के प्रमोशन के आसार भी नजर आ रहे है। अधिकारियों के द्वारा पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपकी बुद्धिमता एवं आपकी कार्यशैली, कार्य पद्धति के चलते आप विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ तक आपकी सैलरी में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। पराक्रम में वृद्धि होने से आपके जीवन में आप उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में कई सालों से सोच रहे थे। यकीनन नौकरी की इच्छा पूर्ण होगी। आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। यहाँ तक आप प्राइवेट सेक्टर एवं सरकारी क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। भाग्यश द्वादश भाव में सूर्य के साथ युति बना रहा है। यह योग आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं रह सकता। लंबी अवधि तक चलने वाली नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी प्राप्त होने से धन को लेकर चल रही चिंता भी दूर होगी। साथ में पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। आप निजी लाइफ में भी काफी उत्साहित रहेंगे। यकीनन 22 सितंबर के बाद करियर संबंधित सभी तरह की अड़चने, रुकावटें खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। विशेषकर जो व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बड़ा बदलाव का कारण बन सकता है। एक तरफ व्यापार से लाभ होगा और दूसरी तरफ व्यापार का प्रस्ताव मिलेगा। अब किसी नई जगह निवेश भी कर सकते है। सरकार की ओर से लिया गया फैसला आपके व्यवसाय को चार चांद लगा देगा। सितंबर महीने में कहीं फंसा हुआ पैसा भी आपके पास आ सकता है।
हाँ, 8 सितंबर से 22 सितंबर के बीच आप मानसिक तौर पर निराश हो सकते हैं। किसी अपनों के कारण दिल को ठेस पहुंच सकती है। किसी जगह आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन इस प्रकार की सभी बाधाओं से खुद को कमजोर नहीं होने देना है, क्योंकि भविष्य आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर खड़ा हुआ है। भाग्य द्वारा आपकी धन की व्यवस्था भी जबरदस्त होगी। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ होगा। विशेषकर शेयर बाजार एवं सट्टे में धन लगाना आपके लिए और भी आसान हो सकता है। मकान, ऑफिस या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़ा मुद्दा हल हो सकता है। इस समय में एक विशिष्ट योग बन रहा है जो आपको पैतृक संपत्ति से मालामाल कर सकता है। यहाँ तक आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ हिस्सा दे सकता है। पुत्र एवं पिता से रिश्ते मजबूत बनेंगे। विशेषकर तुला राशि की महिलाओं के लिए यह समय बड़ी खुशियों का कारण होगा। पुत्र सुख में वृद्धि होगी। संतान को लेकर चिंतित है, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती है। छोटे प्रवास के योग बनेंगे। यात्रा सफल रहेगी, किंतु यात्रा के दौरान आर्थिक हानि का भय बना हुआ है। तुला राशि वालों, धनेश सप्तम भाव में बैठकर आपके लग्न भवन में दृष्टि कर रहा है। यह स्थिति आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करा सकती है। नया घर या नया वाहन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं। इस अवधि में जीवन साथी द्वारा भरपूर सहयोग मिलेगा। विशेषकर विद्यार्थी जातक इच्छित जगह पर दाखिला ले पाएंगे। शिक्षा से जुड़ी समस्या दूर होगी। लोन के आवेदन भी मंजूर होंगे। चाहे धन प्राप्ति के लिए, व्यवसाय के लिए, मकान के लिए या फिर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, इस समय भाग्य आपका साथ जरूर देगा। जो शिक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बड़ा ऑफर आ सकता है। नौकरी में बदलाव की इच्छा पूर्ण होगी। यहाँ तक आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। सुखेश स्वराशि में होना दूर प्रदेश जाकर धन कमाने की इच्छा रखने वालों का जीवन बदल देगा। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समाचार परेशान जरूर करेंगे। सितंबर के आखिरी दिनों में परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्यों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना शादीशुदा एवं प्रेम जीवन के लिए खुशियों का कारण बन सकता है। टूटे रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। बहुत दिनों से आपकी दूरी अब दूरी नहीं रहेंगी। 4 सितंबर के बाद आपका मिलन होगा। प्रेम जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे लम्हे बिताने के मौके मिलेंगे जो आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकते हैं। संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। प्रेम जीवन को भी वैवाहिक जीवन में बदलने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपके आसपास या फिर ऑफिस कार्य क्षेत्र के आसपास आप किसी के प्रति आकर्षित भी हो सकते हैं। नए रिश्ते की शुरुआत होगी। जो सिंगल है उन्हें भी इस अवधि में प्रेम सुख का स्वाद चखने को मिल सकता है। साथी से भी कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है, चाहे गिफ्ट के रूप में या वचन के रूप में लाभ अवश्य मिलेगा। आपका साथी सितंबर में आपकी भावनाओं की कदर करेगा और न भूलने वाले वक्त की यादें देकर जाएगा। यह था तुला राशिफल सितंबर 2000।